हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आप लोगों ने तो मेरी सारी वीडियो देखी होंगी। तो गाइस, उसमें आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो मेरा मोबाइल होता है वो एकदम फ्रेम में कैसे सेट होता है। आप लोग देखते हो कि भाई ऐसे रियल में जैसे मोबाइल लगी है, आप लोग उसमें कैसे एकदम सेट कर देते हैं। ठीक है, यदि आप भी वीडियो बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और आपकी जो वीडियो होती है ऐसा लगता है कि जैसे आप मोबाइल में ही चला रहे हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, तो कुछ इस प्रकार का जैसे मोबाइल में यहाँ पर फ्रेम होता है, ये इसी तरीके से हम लोग सेट कैसे करते हैं, वीडियो ऐसे बनाते हैं। ठीक, यदि आप लोग भी गाइस ऐसा वीडियो बनाना चाहते हो तो कैसे बनाएं, ठीक है, मोबाइल में हम लोग फ्रेम कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उसके लिए कौन सा एप्लीकेशन लगेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले गाइस, आप लोग को एप्लीकेशन काइनमास्टर लगेगा, ये आपको गाइस प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जो जाकर वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड 16:9 रेशियो पर क्लिक करके क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड गाइज, जैसे इतना पर क्लिक करेंगे तो आपको वेट करना है। एंड गाइज, आपको यहाँ करना क्या होगा, एक बैकग्राउंड ले लीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कई सारे बैकग्राउंड डाउनलोड किए हुए हैं पहले से, तो मैं उसको ही ले लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड किए हैं, तो एक बैकग्राउंड मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अब जितने मिनट का वीडियो है ये बैकग्राउंड आप लोग इतना लेयर बना लीजिएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, अब जो भी आपने अपनी वीडियो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड की है आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर एक स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो कर लिया हूँ, अब उसको यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो जैसे मोबाइल का बनाते हैं आप लोग यहाँ बना लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया एंड कट कर देता हूँ ऊपर तरफ। ठीक है, एंड जो वीडियो होगा आप लोग देख सकते हैं अभी थोड़ा लोडिंग ले रहा है एंड यहाँ पर मेरा वीडियो आ चुका है। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं इसे मुझे मोबाइल के फ्रेम में लाना है। ठीक है, कैसे लाएंगे, तो मोबाइल के फ्रेम में लाने के लिए गाइज आपको इसका फ्रेम डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल से, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, तो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया था, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ फ्रेम दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने इस फ्रेम को अपने इस हिसाब से साइज के हिसाब से मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया था। ठीक है, जो मोबाइल हो उसका फ्रेम आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप लोग देख सक लीजिए गाइस यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर अपना फ्रेम लगा दिया। ठीक है, अब वीडियो को आप लोग को इसमें जो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग है आप लोग लाइए और अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो मेरा वीडियो है एकदम सही तरीके से इसमें सेट हो गया है। ठीक है, तो आप लोग इस जो नीचे वाला भाग है इसको बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि जितने मिनट का आपका वीडियो होगा उतने मिनट पर ये लगना चाहिए। ठीक है, एंड गाइस आप लोग देख रहे हो कितना बेहतरीन लग रहा है। ठीक, इसी प्रकार से आप अपने मोबाइल फ्रेम को इस तरीके से इसमें सेट कर पाएंगे। काफ़ी लोगों के मन में ये सारा क्वेश्चन रहता है कि भाई आप कैसे वीडियो बनाते हो, ऐसा लगता है जैसे रियल में मोबाइल रख के बनाते हो। नहीं गाइज, आप लोग को अपना स्क्रीन रिकॉर्ड करना है एंड मोबाइल का फ्रेम उसमें सेट कर देना है। ठीक, इस प्रकार ऐसा गाइज वीडियो कोई बनाता नहीं, लेकिन हम लोग गाइज बना देते हैं, लोग परेशान होते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं। तो गाइज ठीक है, यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही गाइज, एंड मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ में फ्रेंड्स।